क्या आपको पता है कि 9 out of 10 इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट, मतलब 10 में से 9 इंडियंस के खाने में प्रोटीन की कमी है। अगर अर्बन इंडिया की बात करें तो 73% ऑफ अर्बन इंडियंस डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है। जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए फिगर्स तो और भी कंसर्निंग है। 84% ऑफ वेजिटेरियंस डाइट्स आर लो ऑन प्रोटीन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता क्या है। वेल, लो एनर्जी लेवल्स, ट्रबल बिल्डिंग मसल, ट्रबल लर्निंग, पुअर कंसंट्रेशन, मसल बोन एंड जॉइंट पेन, हेयर फॉल और बैल्डनेस एंड द लिस्ट गोज ऑन। अगर आप में से कोई भी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन इट्स टाइम कि आप अपनी डाइट्स को चेक करें। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर कॉमन प्रॉब्लम्स जो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, एंड हाउ इज द प्रोटीन इम्पोर्टेंट फॉर अस। प्रोटीन फॉर हेल्दी हेयर्स, हेयर प्रॉब्लम की इम्पोर्टेंट वजह प्रोटीन डेफिशिएंसी है। जब आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तो बॉडी हेयर ट्रूथ में यूज होने वाले प्रोटीन को सेव करने लगती है एंड हेयर्स को एडिक्ट विद प्रोटीन नहीं मिल पाती। इस वजह से हेयर लॉस, हेयर थिनिंग और बालों का सफेद होना, ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। सो इवन ऑफ आप एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज करें या फिर हेयर स्पा करें, हेयर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। सो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए मेक श्योर कि आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन हो। प्रोटीन फॉर ब्रेन पावर, हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा हमारी ब्रेन की परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करती है, क्योंकि प्रोटीन हमारे ब्रेन की न्यूरोट्रांसमीटर्स को एसेंशियल एमिनो एसिड प्रोवाइड करता है, जिससे वो इफेक्टिवली फंक्शन कर पाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली बायोकेमिकल मैसेंजर्स हैं जो ब्रेन सेल्स को सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग आप जिन्हें खाना खाने के बाद नींद आती है, क्योंकि रोटी और चावल जो इंडियन की स्टेबल फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्रेन में अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान के लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, जिससे आप स्लीपी या टायर्ड फील करते हो। बट प्रोटीन आपके ब्रेन में ट्रायोसिन अमीनो एसिड के लेवल को इंक्रीज करती है, जिससे आप एनर्जाइज फील करते हैं, बिकॉज वो आपकी बॉडी को अलर्ट एंड एक्टिव रखता है। इनफैक्ट ये आपके कंसंट्रेशन एंड मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए भी जरूरी होता है। सो आप जो भी खाते हो उससे ये डिसाइड होता है कि आप लेजी फील करेंगे या फिर एक्टिव। बिफोर आई अप्रिशिएट, कमेंट बिलो कि आपको भी खाने के बाद नींद आती है, बिकॉज आई होप इसके बाद आप केयरफुल रहेंगे। प्रोटीन फॉर मसल बिल्डिंग, अगर आप मसल बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मसल पेन या वीकनेस के इश्यूज हैं, तो इसका मतलब है आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन मसल एंड बॉडी टिश्यूज को बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। जब आपको डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तब मसल वेस्टिंग होने लगता है। ये बेसिकली एक हेल्थ कंडीशन है जिसका हमारे मसल के वॉल्यूम, मास, साइज रिड्यूस होने लगता है एंड मसल वीक होने लगते हैं। आल्सो प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान मसल टिश्यूज डैमेज होते हैं, जिन्हें रिपेयर एंड ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। रिसर्च बता रही है कि प्रोटीन प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मसल्स रिकवरी में हेल्प करता रहा है, जिससे मसल एक करने के चांस कम होते हैं एंड मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। प्रोटीन फॉर इम्यूनिटी, प्रोटीन की कमी से हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट होता है, जिसकी बीमारी एंड इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे बॉडीज के इम्यून सेल्स प्रोटीन से बनते हैं, रिपेयर होते हैं एंड मल्टीप्लाई होते हैं। सो अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं या आपको फ्रीक्वेंटली कफ एंड कोल्ड या एलर्जी जैसी इन्फेक्शंस होते हैं, तो देन उसकी वजह प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। साथ ही इंजरीज को हेल एंड रिपेयर करने के लिए, ऑल स्ट्रोकर्स इम्यूनिटी के लिए ये प्रोटीन विद डाइट एसेंशियल है। सो गाइज, यू गेट योर प्रोटीन एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।